गौरा देवी के साथ ही बाली लिए थे। अच्छा, जो गौरा देवी जब चिपको आंदोलन था तब जो बाली देवी का जिक्र किया गया था वो यही दादी जी हैं। चिपको आंदोलन हुआ था तब जो ये दादी जी हैं, इनको पूरा पता आपको एकदम ना। ये छत दिख रहा है आपको, लकड़ियों का छत है। तो पूरे गांव में एक आंटी जी एक मैं हैं यहाँ पर। छत है वो लकड़ियों के माध्यम से बना रखी है। मेरी चाय बन रही है और पहले तो लकड़ी टूट गई थी, तब जाके पूरी की पूरी चाय गिर गई थी। जय कुमाऊ, जय गढ़वाल, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं अभी हूँ मलारी में। मलारी से जो चाइना बॉर्डर की दूरी है कम से कम 40-45 किलोमीटर है। मेरे सामने है एक घर, खूबसूरत सा घर, एकदम पहाड़ी वाला घर, इसी को बोलते हैं। लकड़ियों के माध्यम से ही यहाँ पर लोगों ने छत बना रखा है। लकड़ियों के सहारे ही लोगों ने यहाँ पर जो है बाहर का आंगन बनाया था। घरों की दरवाजों की तो दरवाजे देखिए भाई साहब, इतनी ज्यादा प्यारी, देखो पहाड़ी टाइप का डिजाइन करा गया है हस्तकलाओं के माध्यम से। ऊपर में भी देखो कुछ इस प्रकार से लकड़ियों में हाथ की कलाकारियों से डिजाइन बनाया गया है। इसको हम लोग पहाड़ियों में बोलते गौन, और गौन देखो पत्थर के माध्यम से बना रखा है। और साथ ही साथ ना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दो दरवाजे दिख रहे होंगे। ये मकान पुराने जमाने के लोगों ने बनाया होगा अपने हाथों के माध्यम से। यहाँ पर 6 महीने लोग रहते हैं शहर की तरफ और 6 महीने रहते हैं गांव में। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर आ जाएंगे लोग, बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पर। पुराने घर की छत और वहाँ पर दिख रहे नए घर की छत है, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये घर भी कुछ इस प्रकार से आपका पुराना पहाड़ी वाला है। ये नीचे पूरा का पूरा खेत जो है मलारी वालों का है। अभी यहाँ पर खेती नहीं करेगी क्योंकि लोग नहीं आए हैं। पूरा का पूरा जो है लकड़ियाँ सड़ गई हैं इसमें, और देखो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा मकान टीढ़ा हो गया है भाई साहब। गली गली में ना कुछ इस प्रकार के रास्ता है ये, और ये पूरा छत है और दुमंजिला टाइप और पूरा का पूरा लकड़ी के माध्यम से भाई साहब बना रखा मकान। थोड़े बहुत दरारें आने लग गई हैं यहाँ पर, देखो एक थोड़े बहुत यहाँ पर दरारें आ रहे हैं। ये पहली बार देख रहा हूँ मैं इतना खूबसूरत सा गांव। ये घर आई थिंक बहुत ही पहले पुराने जमाने के लग रहे हैं मुझे। पत्थरों के माध्यम से नहीं बल्कि लकड़ियों के माध्यम से बना रखी है यहाँ पर। थोड़ा थोड़ा जो है झुक के जाना पड़ रहा है। तो कितना समय लगता होगा इस डिजाइन को बनाने में, इतनी ज्यादा मेहनत लगती होगी। यहाँ पर लोग नहीं है ना तब जाके घरों में चाबी लगा रखा है। अगर रास्तों की बात करी जाए तो रास्ते भी बहुत ही बढ़िया हैं, लकड़ी के माध्यम से बना हुआ है। इसे बोलते हैं हम लोग गोठ। इसके अंदर जब यहाँ पर आते होंगे लोग तो पशुओं को रखते होंगे। ये जो पूरा खाद होगा ना पहले, वो अभी तक यहाँ पर बचा हुआ है। और साथ में यहाँ पर लकड़ियां भी है। ये वाला जो मकान है ईंट के माध्यम से बन रहा है नया। और साथ ही जो इसके बगल में जो मकान है ना देखो, जिसमें कुछ इस प्रकार से टेक लगा रखा है, और लकड़ियों के माध्यम से कुछ इस प्रकार से एकदम पहाड़ी डिजाइन ये मकान पूरी तरह हो रहा है अब समाप्त। ये पताकाएं हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया जो है इस जगह को कर रही है सुशोभित। यहाँ जो सबसे ज्यादा ना मुझे लुभा रही है वो है यहाँ के घरों की बनावट। बहुत ही घूमा मैं गाँव में और अब जाके सिर्फ एक आंटी मिली है मुझे। आंटी जी सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। धन्यवाद। तो ये जस्ट जो आपके पीछे इतना खूबसूरत सा मंदिर है, और ये कौन सा मंदिर है? बगड़वाल मंदिर। अरे वाह वाह वाह, तो पूजा होती है यहाँ पे? ये जो घरों की जो छतें हैं ये अधिकतर लकड़ियों के द्वारा बने हैं। ये तो लकड़ी का ये बहुत पुराना, ये पुराना, ये पुराना लकड़ी है। जैसे छेद होगा ना, छेद रहते हुए हम बोलते कि बारिश आएगा, तो बारिश नहीं आएगा अंदर। अच्छा, बड़ा बड़ा छेद रहते हैं इसमें, बारिश नहीं आता अंदर। अच्छा, छेद तो यहाँ कैसे हो गई लकड़ी? लेकिन अंदर बोल गए इसका अंदर पानी आएगा। अच्छा, ये मुझे लग रहा पूरा खराब हो गया, लेकिन अंदर पानी नहीं आएगा? पानी नहीं आएगा। तो खेती बाड़ी क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ खेती बाड़ी तो बहुत है हमारे यहाँ। अच्छा, हाँ वगल लगाते हैं, फापर लगाते हैं, छेमी लगाते हैं। छेमी,
और आलू बोते। अब धीरे धीरे जब लोग आएंगे तब स्टार्ट हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा स्टार्ट। कौन सा देवता? अच्छा उधर उधर ये पार उधर। अरे ऊपर टॉप में, ऊपर टॉप में भूमियाल देवता। और ये आंटी जो ये सामने ये इतना खूबसूरत सा बना रखा है, ये चौभाड़ी जैसा, ये क्या है? ये हाँ ये मंडी है। मंडी लोग बैठते हैं यहाँ पे जब पूजा पाठ के समय। पूजा पाठ होते ना यहाँ। जी जी जी। पहाड़ी खान पान, मडवे की रोटी खाते हो? मडवे की रोटी खाते, फाबर की वो बनाते। अच्छा छोले रोटी बनाते। अच्छा बनाते हो? अरे वाह वाह। और जिया बनाते? जिया बनाते। अरे वाह। क्या है ऊपर? कुंती माता का भंडार। कुंती माता का भंडार कहाँ पे? ग्लेशियर में। ग्लेशियर ऊपर। तो दोस्तों यहाँ एक ग्लेशियर है, यहाँ पर ताई बोली कि यहाँ पर कुंती माता का भंडार है। ये भूमियाल देवता का जो मंदिर जो है ना वो तो बहुत ऊपर टॉप में है। अच्छा कहाँ, मलारी से ही हो? मैं मलारी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा मलारी से बिलोंग करते हैं जी। तो अभी यहाँ पर मैं पूरा गाँव घूम चुका हूँ, बहुत कम लोगों से मुलाकात हो रखी है, तो मतलब क्या रीजन है? रीजन क्या है, माइग्रेशन वाला परिवार है, 6 महीने कन्नड़ प्यार करते हैं, 6 महीने रहते हैं, विंटर सीजन में यहाँ। अच्छा तो धीरे धीरे अब लोग यहाँ पर आना स्टार्ट करेंगे। हाँ स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। इतने पुराने मकान हैं कि मतलब हमने तो ऐसे जिंदगी भर ऐसे ही देखा है, तकरीबन 60-62 ये जमानी भी होगी, साल फाड़ के ये बैनर लगा रखे। अच्छा तो क्या कारण था ये? ये कारण के जब नंदा देवी आई थी यहाँ पे लाता से। अच्छा तब लगाए थे। कितने साल में आती है नंदा यहाँ पे? 12 साल बाद। 12 साल बाद कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे जो है घोंसला भी बना रखा पक्षियों के लिए। मैं सोच रहा था कि ये घरें खराब हो गई होंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा अंदर साइड। यहाँ पर है जय माँ हीरामणी देवी। यहाँ पर अधिकतर जो खेती होती है वो दालों की होती है, और साथ ही साथ ऊपर पर मलारी गांव जो समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है 3048 मीटर है, और जो एक नीचे नदी बहती है यहाँ साइड से, ये नदी आपकी आती है धौली गंगा। खूबसूरत पहाड़ों के नीचे बसा है एक गाँव जिसका नाम है कैलाशपुर। अधिकतर यहाँ पर भोटिया लोग रहते हैं, और जिनका मुख्य व्यवसाय होता है भेड़ों को पालना और दालों का व्यवसाय करना, और जो महिलाओं का होता है कताई बुनाई, उनके माध्यम से कपड़ों को बुनना। और साथ ही यहाँ की जो घरों की बनावट है एकदम पहाड़ी वाली है। यहाँ पर जो पेड़ हैं देवदार के पेड़ हैं, पहाड़ों में भी बर्फबारी हो गई थी तब इतने प्यारे पहाड़ लग रहे हैं। तो आखिरकार दगड़ियों आ गया हूँ मैं माता हीरामणि मंदिर के, वहाँ पर चलते हैं और माता का दर्शन करते हैं। तो देखिए यह खूबसूरत सा मंदिर आपको मलारी गांव में देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग, और रास्ता बहुत ही खतरनाक है ना, गाड़ियाँ आती नहीं यहाँ पर, तो पैदल मैं चलूँगा। यहाँ के जो लोग इतनी ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि घर को देखो लगा सकते हैं हम अनुमान कि यहाँ के लोग कितने ज़्यादा मेहनत है करके ना। ये लकड़ियों से कुछ इस प्रकार से छत बनाना आम बात नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग का भी उपयोग होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी होती है। दोस्तों तो यही से ना हनुमान जी ने जो है संजीवनी बूटी लिया था, जहाँ व्हाइट कलर का ये बर्फबारी और किरा, इस जगह को बोलते हैं द्रोणागिरी, द्रोणागिरी पर्वत है ये, यहाँ पर हनुमान जी की पूजा नहीं होती है। मलारी से हम लोग आ गए हैं भागती गांव। तो चलो शादी को अटेंड करते हैं। वैसे तो मैं अनजान हूँ, फिर भी अगर किसी से प्यार से बात करी जाए तो अनजान भी मतलब जाने पहचाने लगते हैं। ये है धौली गंगा, खूबसूरत सा धौली गंगा, बाद में ये विशालकाय नदी जाती है नीचे, और विष्णु प्रयाग में आपके अलकनंदा नदी से हो जाता है इसका संगम। बिना निमंत्रण वाले शादी में घुस चुका हूँ मैं, चलते अंदर जो होगा दिखा जाएगा। हम लोग आए थे मलारी से, अभी उस साइड देखो बहुत ही ज्यादा जो है बारिश हो रही है वहाँ पे। यहाँ पर भी जो घर है ना भाई साहब, इतनी प्यारी खूबसूरत घर है, इतनी अच्छी जो संस्कृति है गढ़वाल की। गांव का नाम फूकता है ना, है फाकती ना फूकता, मुझे पता नहीं ना, एक्चुअली मेरा उत्तराखंड पैदल यात्रा है ना, और मैं जो संस्कृति होती है और यहाँ पर रहन सहन होता ना, एकदम लाइन से देखो सभी लोग खाना खा रहे हैं बढ़िया करके। पहाड़ों में होती है शादी, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो है शगुन देते हैं ना।
देखो नाम लिख रहे हैं सभी लोगों का, क्योंकि सभी लोग अपने अपने तरफ से जो है शगुन देते हैं और अब थोड़ा बहुत जो है शादी को अटेंड करते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय कुमाऊं जय गढ़वाल, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।